बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। केमिस्ट्री हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। टॉपिक हमारा है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। तो बेसिकली हमने पढ़नी है ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री, लेकिन ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमें सीखना है केमिस्ट्री क्या है, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री बेसिकली स्टडी ऑफ मैटर है। अब मैटर क्या है? मैटर इज एनी थिंग विच हैज मैस एंड ऑक्यूपाई स्पेस। तो आप अपने इर्द गिर्द देखें, हर चीज कोई ना कोई मैस भी रखती है, कोई ना कोई वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करती है, तो इट मीन्स हर चीज मैटर ही है। अब उस मैटर की कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, रिएक्शंस और स्ट्रक्चर को स्टडी करना केमिस्ट्री है। इसके आगे से फर्दर ब्रांचेज हैं जो कि आज हमारा टॉपिक होगा, और कुछ ब्रांचेज हम पढ़ेंगे। पहली ब्रांच है आपके पास केमिस्ट्री की, जो मेन ब्रांचेस हैं, जो मेजर ब्रांचेस हैं, वो इसकी चार हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है, बायो केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। उनकी डिटेल्स देखते हैं हम। केमिस्ट्री की जो स्कोप है, आज आप देखेंगे अपने इर्द गिर्द आपको हर जगह केमिस्ट्री अप्लाई होती नजर आती है। कोई भी ऐसी फील्ड नहीं है जहाँ केमिस्ट्री अप्लाई नहीं होती, बिकॉज एवरीथिंग इज मैटर इन द यूनिवर्स। और मैटर की जब तक हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एटसेट्रा स्टडी नहीं करते, तब तक हम मैटर की डिटेल्स नहीं जान सकते। तो इन डिटेल्स को माइंड में रखते हुए हम वन बाय वन हर जो है आपके पास ब्रांच, उसको स्टडी करेंगे। आज के टॉपिक में चार ब्रांचेस इंक्लूड होंगी, जिसमें से सबसे पहले आपके पास है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप बिटवीन कंपोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर अलॉन्ग विद द चेंजेस इन दैम। तो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? उनका गैसेज हैं, लिक्विड्स हैं, या फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं? द प्रॉपर्टीज विच एसोसिएट विद द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। तो फिजिकल स्टेट्स क्या हैं? सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या गैसेज हैं? और इनके ऊपर फर्दर टेम्परेचर का आप इफेक्ट देख लें। आप इस तरह की जितनी भी फिजिक्स के रूल्स जब केमिस्ट्री में अप्लाई होते हैं ना, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री है। तो फिजिक्स में आप ये सब चीज़ें देखते हैं, एनर्जी चेंजेस मैटर में, एनर्जी कन्वर्जन क्या, एनर्जी मैटर कन्वर्जन क्या है। तो इस तरह के सारे रूल्स जब आप केमिस्ट्री पे अप्लाई करके पढ़ते हैं, तो वो फिजिकल केमिस्ट्री है। जो आपके ये चैप्टर्स हैं, गैसेस वाले, लिक्विड, सॉलिड्स, इनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना, टेम्परेचर का इनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, मीन वो जो सारी प्रॉपर्टीज फिजिकल स्टेट से एसोसिएट करती हैं, उन चीज़ों को जब आप स्टडी करते हैं, इन प्रॉपर्टीज को जब आप स्टडी करते हैं, तो ये आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री होती है। कंपोजिशन का मतलब क्या है? कि कोई भी चीज़ किससे मिलकर बनी हुई है। जैसे मिसाल में आप ले लें मिथेन गैस ले लें। मिथेन गैस जिस जो हम घरों में यूज़ करते हैं, यूजली फ्यूल के तौर पे, जो हमारे घरों में गैस के तौर पे यूज हो रही है, जो खाना वगैरह बनाने के लिए, इसकी कंपोजिशन अगर देखी जाए तो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन है। इस चीज को कहते हैं कंपोजिशन, कि वो बनी किससे हुई है। तो प्रॉपर्टीज क्या इंक्लूड होती है जो फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़नी होती है हमने, कि एटम का स्ट्रक्चर क्या है, मोलिक्यूल्स कैसे बनते हैं, और सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का बिहेवियर क्या है, इनके ऊपर टेम्परेचर का क्या है। नेक्स्ट आपके पास है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक बेसिकली जो लाइफ से रिलेटेड मॉलिक्यूल्स को आप स्टडी करते हैं ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आती है। इसमें वो सारी चीजें आती हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के कोवलेंट कंपाउंड्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम पढ़ते हैं। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स यूज होते हैं। हमारे इनफैक्ट जो फूड है सारे का सारा, उसमें प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड्स वगैरह हैं, सब वो भी सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही के डेरिवेटिव्स हैं। मतलब उनमें भी जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कार्बन और हाइड्रोजन ही है। तो ये जो इसकी स्टडी है सिर्फ और सिर्फ कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स और कंपाउंड्स की, उसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। तो ये नेचुरली अकरिंग भी हो सकते हैं, ये सिंथेटिक्स भी हो सकते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ अप्लाई होती है? ये जो सारी पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, या पेट्रोकेमिकल कंपाउंड्स, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, इन सब में, और ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही के मतलब यहाँ इनमें ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अप्लाई होती है इन सब में। क्यों? पेट्रोलियम आपको पता है वो ज़मीन से हम निकालते हैं। वो बनता कैसे है? वो ज़मीन में इतना अरसा पहले से वुड के
वुड जो जेर जमीन दब गई थी प्लांट्स वगैरह उनके ऊपर बैक्टीरिया और टेम्परेचर के इफेक्ट से वो जो वुड थी उसकी कन्वर्जन हुई इन पेट्रोलियम वगैरह में. तो वुड क्या है, वुड में भी कार्बन और हाइड्रोजन ही हैं. और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, मेडिसिनल इंडस्ट्रीज, इन सब में कार्बन और हाइड्रोजन का मेन रोल हमें नजर आता है. तो ये आपके पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है. उसके बाद आपके पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आती है. हर वो चीज़ जो लाइफ रिलेटेड नहीं है, मीन ऑर्गेनिक में हमने ये बात की जो लाइफ से मिलते हैं हमें कंपाउंड्स, लाइक प्लांट्स से, एनिमल्स से. पहले तो इसका नाम इसी बेस पे रखा गया था, लेकिन बाद में देखा कि हम लैब में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन नाम उसका इसी बेस पे रखा गया. फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लाइफ से रिलेट नहीं करते, लाइक मिनरल्स हैं आपके पास, सारे के सारे ऐसे केमिकल्स जिनका ओरिजिन लाइफ नहीं है, वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आते हैं. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स के अलावा जितनी भी आपके पास पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स हैं उनकी स्टडी होती है. कितनी सारी अब ऐसी चीज़ें हैं, सल्फर है, फॉस्फोरस है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन, इतनी सारी चीज़ें, उन सबकी स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं. इसकी एप्लीकेशन में हम देख सकते हैं ग्लास इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सिरामिक इंडस्ट्रीज, ये सारी की सारी इंडस्ट्रीज में ये जो आप इसकी कॉन्स्टिट्यूएंट या इसकी कंपोजिशन देखेंगे, ग्लास वगैरह या सीमेंट सिरेमिक्स की, सिलिका वगैरह, ये सब चीज़ें, इनमें कहीं आपको कार्बन हाइड्रोजन का कोवलेंट कंपाउंड नजर नहीं आएगा. उनके अलावा चीज़ें हैं, जैसे सीमेंट की बात की जाए तो उसमें SiO2 सिलिका जो है रेत का फॉर्मूला है वो इनमें यूज़ होता है. ग्लास में भी वो चीज़ यूज़ होती है, सीमेंट में इसका यूज़ है, उसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन है. तो वो दोनों इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं, हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं है. मेटलर्जी भी इसकी एप्लीकेशन है. मेटलर्जी में वो सारे प्रोसेसेस जिसमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ज़मीन से निकाला जाता है, फिर उनके ऊपर डिफरेंट प्रोसेसेस किए जाते हैं, वो सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आती है. उसके बाद आज के टॉपिक की जो लास्ट ब्रांच है हमारे पास वो है बायोकेमिस्ट्री. एज द नेम इंडिकेट्स क्लास, बायो मीन लाइफ, केमिस्ट्री लाइफ के, लाइफ में जब आप केमिकल प्रोसेसेस को पढ़ते हैं ना तो वो बायोकेमिस्ट्री है. जैसे हमारे अंदर हम हर चीज़ को पढ़ें, केमिकल रिएक्शंस जो हमारे अंदर हो रहे हैं, हमारे अंदर जो केमिकल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं, उनकी कंपोजिशन क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हमारी बायोकेमिस्ट्री में आएंगी. लाइक हम रेस्पिरेशन का प्रोसेस देख लें, हम सांस ले रहे हैं तो इस दौरान हम ग्लूकोज टूट रहा है, वो ग्लूकोज का भी तो एक फॉर्मूला ही है ना, C6H12O6, इसका टूटना और कार्बन डाइऑक्साइड का बनना. तो हमारे अंदर केमिकल प्रोसेसेस को जब हम स्टडी करते हैं ना, सिर्फ हमारे अंदर नहीं, ऑल लिविंग बीइंग्स के अंदर, जब सारी लिविंग थिंग्स के अंदर आप केमिस्ट्री के रूल्स को अप्लाई करते हैं ना, तो आपके पास बायोकेमिस्ट्री है. ठीक, तो इसकी एग्जांपल में आप देख सकते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये सारी चीज़ें हमारे फूड हैं, ये फूड के हमारे पार्ट्स हैं. तो फूड्स हम इस फॉर्म में लेते हैं, जैसे रोटी में कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एग्स और मिल्क वगैरह में प्रोटीन्स हैं, मक्खन वगैरह और जो घी वगैरह उसमें फैट्स हैं, इन सब का कोई ना कोई फॉर्मूला है. तो एक जगह इकट्ठी हो गई बायो भी और केमिस्ट्री भी, इसलिए इसके ब्रांच को हम बायो केमिस्ट्री कहते हैं. अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है, फील्ड्स ऑफ मेडिसिन में आ जाता है, फूड साइंसेज जाहिर बात है, हम जो फूड ले रहे हैं सारे का सारा वो केमिकल फॉर्मूला कोई ना कोई रखता है और हम उसको यूज़ कर रहे हैं, तो बायोकेमिस्ट्री इसलिए फूड साइंसेस है. एग्रीकल्चर, ज़राअत की सारी फील्ड, तो इट्स ऑल अबाउट. ये चार ब्रांचेस थी, आपने इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना है. कोई और कन्फ्यूजन होगी तो आपने बता देना है हमें कमेंट्स में. फिर बाकी की जो हमारी रह गई हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह देखेंगे. थैंक यू क्लास.